क्या कर रहे हैं, मैं दो मिनट लेने, चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिंह साहब ज्ञान यार प्रेम सिंह जी गुरु घर में बैठे यार, ये गवाह ने ज्योति ज्योत गुरप्रभ के सिंह साहब आ रहे सर, और सिंह साहब पासपोर्ट दमदमा साहब भूल गए नहीं, जो बार दे पहुंचे हैं। मैं कह सिंह साहब जी, कहना मैं आज नहीं आ सकता, मैं पासपोर्ट दमदमा साहब भूल गया। मैं कह सिंह साहब जी वेद, मैं कह इतने सिंह साहब ठीक नहीं है, प्रोग्राम है, कहना मैं नहीं आ सकता। मैं कह सिंह साहब जी, जे मैं अपने सरकार ने गल करा तो पासपोर्ट तो बगैर लै लिए तो तुम आ सकते हो, कहना कि हो सकता। मैं कह जी मेरे गल कर लेंगे, तुम अपने सरकार ने गल कर लो, मैं अपनी सरकार ने गल कर लें, मैं अपनी सरकार विद इन 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं अपनी मिनिस्ट्री ने गल की, अपने रेलिवेंट अथॉरिटीज ने गल की। उन्होंने कहा अगर तुम कहते हो तो ले लो, और ये क्लीयर कर दो कि कभी पाकिस्तान की ना ये ख्वाहिश सी ना शर्त सी कि उस लांघे तो जरा श्रद्धालु आए उसके को पासपोर्ट आए। कहना असि सिंह साहब कहने हरप्रीत सिंह भी बगैर पासपोर्ट तो लैन तो तैयार हाँ, असि किसी भी संगत को आधार लैन दे तैयार। मैं कहने हरप्रीत सिंह को कहा सिंह साहब जी आ जाओ, मेरे मुल्क ने मैं इजाजत देती कि तुम सिंह साहब कहने हरप्रीत सिंह लै सकते हो। ये गवाह ने अपनी स्पीच 10 दिन की जी मेरी मैं गल कर रहा सच है। सिंह साहब ने कहने बाद भी दस है कि वह कहते हैं होर भावे कोई लंघ जाए तुम लंघ जाओगे तो यह तो साढ़े वास्ते बड़ा मसला बन जाना। कहने हरप्रीत सिंह बगैर पासपोर्ट तो इन्होंने अमृतसरों गड्डिया दसाइया तो उधरों दमदमा साहब का असं 3 बजे लिया। मैं बेनती करना चाहना कि साड़ी सरकार हमेशा सिर्फ अपनी कलवकड़ी च लिया गया, मता ये सोचना चाहिए कि साढ़े वीजे कटे गए नहीं। मैं हमेशा कहना मैं अपनी सरकार को लैटर लिखा कि ये लिटल प्रोटोकॉल जो 4 ने इसको एक्सटेंड करके 7 किए जा। सरना साहब ने ये बड़ा योगदान पाया, इन्होंने भी किया कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा, विसाखी का, गुरु अर्जन देव जी शहीदी दिहाड़ा, तो महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के नाल ज्योति जोत गुरपुरब श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा, तो साका पंजा साहब इस साका ननकाणा साहब इस ऐड किया जाए। बोले साड़ी सरकार फिर भी करेगी, सानू उम्मीद है। मैं हमेशा कहना कि गिणती के थोड़े हैं पर असं बहुत भारे हैं, उसकी वजह कि साड़ी गल सरकार सुनती है। अगर 9 महीने के करतारपुर साहब कोरीडोर इन्ना वड्डा कॉम्पलैक्स जो 42 एकड़ के उत्ते मुहित है उस सिख संगतां वास्ते खोलिया जा सकता है, तो सिख संगतां वास्ते बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जिहड़े गुरदावां दी सरना साहब ने सरावां की गल की, संगेड़ा साहब ने गल की, इस टाइम एक सराह बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा तरन तारण वाले जिहड़े बना रहे ने सरना साहब के सहयोग का, और एक 100 कमरे की साढ़े राणा साहब जो आए इन्हों साल नहीं हो, इन्होंने 2 इनिशिएटिव बड़े जबरदस्त है। एक साढ़ा पेशाब भाई जोगा सिंह गुरद्वारा जिहड़ा बहुत खस्ता हो चुका सी, इन्हों ने मैं जदों जाना प्रधान साहब देखो फाइल इतने पहुंची, यह फाइल इतने पहुंची, वो बहुत वड्डा बजट वो इन्होंने अप्रूव कराया। फिर 100 कमरे जिते साढ़ा जन्म स्थान के अंदर लंगर हाल है वो इन्होंने अप्रूवल लिए, जो वक्फ बोर्ड गुरपुर तो बाद बनाएगा। चोहा साहब गुरुद्वारे की जिते गल हुई है वो बिल्कुल कंप्लीट है और उसी पुरातन लुक के बनाया, और असं हर साल गुरुद्वारा खोलने की कोशिश करते हैं कि जिते जिते साड़ी आबादी है, सरकार वालों कोई पाबंदी नहीं है, जिते साड़ी गिनती है जिते साड़ी आबादी है असं उत्थे गुरुद्वारा साहब खोलांगे। रीसेंटली राणा साहब ने विजिट किए ने साढ़े इतने पिंडी के गुरद्वारा साहब है बागा सरदार, राणा साहब नौशहरा विजिट करके आए हैं। मैनू कल कह रहे सर तुहाडी गिणती फैसलाबाद बहुत ज़्यादा है तो तुहाडे वास्ते फैसलाबाद गुरद्वारा साहब है असं खोलन जा रहे हैं, और अगर कोई बैठा उठे असं उसके कोल छुड़ा के तुहानू उत्थे बिठावांगे। सो साढ़े वालों या साडी सरकार वालों संगतां वास्ते कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बेनती करांगा कि देखो एक तरफा चीज़ा नहीं दो तरफा, जिते तुम सानू कहते हो तुम अपनी सरकार को भी करो,
पिछले चार साल तो जो जत्थे आ रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान साड़ी ट्रेन नहीं लै रही है। लोग दो साल बसों के बेचारे बारह बारह चौदह चौदह भी घंटे सर्दी बैठे रह रहे हैं। तुम असं बार बार तुम क्या कि अपनी सरकार को लिखो कि साड़िया ट्रेन अटारी तक लैन ताकि संगतों में जो तकलीफ है खत्म हो। उधरों नहीं होया असं अपनी सरकार को क्या कि वह नहीं देंगे कम से कम सू अपनी सरकार तक ट्रेन दे दें ना। असं हूँ जिम्मे छे तरीक को संगत आएगी पहले बागे जीसी से आएगी पैदल असं उन्होंने फिर मजबूरी दी है शिफ्ट करा बागा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान सरकार ने फिर सू ट्रेन दे दी। मैं ये कह रहा थोड़ा जो साडा करने वाला काम है सानू भी दसो पर जिहड़ा थोड़ा करने वाला काम है जिहड़ा हिंदुस्तान की सरकार करने वाला काम है वह काम है कि जिहड़ियां उत्थे संस्था ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है दिल्ली कमेटी है जिन्हिया भी संस्था ने वो अपना रोल प्ले कर रही। दूजी मैं बेनती ये करांगा कि करतारपुर साहब कोरीडोर मैं हर बारी कहना कि इसको सियासत के पेट ना चढ़ा जाए जिथे दोवां मुल्कां दे तालमेल खुलिया जिथे 5000 बंदे का एग्रीमेंट है उत्थे मनजिंदर सिंह सिरसाई कहता है कि मैं दोबारा टावर बनाना तुसीं दोबारा दूरबीन ना देखो। असी इहदी नखेधी भी कीती है और असी उसनूं अपील करांगे कि कोई अकल दे नाल खुलिया जिथे 70 साल लोग अरदासा कर रहे हैं कि लांघा खुल जाए हुण लांघा खुल गया बजाय इसदे कि तुसीं अपनी सरकार नूं कहो कि पासपोर्ट खत्म कर दो पासपोर्ट की शर्त खत्म कर। मैं सरकार को कहना भी डॉलर की शर्त खत्म करो योजे उपराले करो तुम फिर कि दूरबीन पिछले संगत को लगा रहे हो संगत वास्ते आसानियां पैदा करो मुश्किल ना पैदा करो। सो मैं एक बार फिर समा ज्यादा लै गया मैं सारिया संगतों का धन्यवाद करदा लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दवाना कि सरकार जी पाकिस्तान सरकार इन्हों के मन में सिखा प्रति कोई ईरखा नहीं है ये चीज क्लीयर कर देना होगी। सिखा अगर असी है तो मैं नॉट ही सर लेकिन मैं अक्सर कहना कि सू मैनोरिटी ना कहो क्योंकि सू जे राइट्स ने वो आम जनता ना ज्यादा है आम पब्लिक ना ज्यादा है। मैं कल कोई चीज़ें रिकॉर्ड करा मैं तो सिख सर जा रहे सर रस्ता बंद सी जितों ट्रैफिक आ रही थी तो मैं उधर गया सिख साहब गुआ रहे उन्होंने कहा तुम ऐ नहीं लाएंगे जितों आ रही उधर नहीं चला ये चीज़ा कौन कर। सो मैं एक बार फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लीडरशिप का जिन्हिया जिन्हिया संगत आई ने सरना बरादरान का पांच प्यारे साहबान का अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का सारे का मैं बहुत रहनी है थोड़ी सेवा दे विच ये सारे थोड़े सफर के दौरान कोई अगर कोई पुंचक हो गई हो सेवा दे विच कमी हो साड़िया गलतियां साड़ी चोरी पा देना कोई पुरा चुका देखी मां वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।